तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, AU एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ यही बातें इस समय चल रही हैं कि AU एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म कह रहा, ऑनलाइन फॉर्म से बच्चे कह रहे हैं तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब फॉर्म चाहे जब आए हम तब तक इंतज़ार करते रहेंगे। चलिए खैर, आज हम AU एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में BSc मैथ के पार्ट टू को लेकर आ चुके हैं। इस समय BSc मैथ में हम आपको ट्राइग्नोमेट्री समझा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले अच्छे से समझाए, जितने बच्चे भी उसको देखे हैं उन्हें बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और फार्मूलों को समझाएंगे, और फार्मूलों को समझा लेने के बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम के लेवल का ज़रूर कराएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में कौन से फार्मूले हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। तो हमारा हेडिंग है संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो संयुक्त कोणों में सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर है योग और अंतर के सूत्र। ज़रा ध्यान दीजिए, वैसे आपको याद होंगे लेकिन मैं कुछ याद करने के ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा। तो योग और अंतर के सूत्र याद करने के लिए इन चारों को कैसे याद करेंगे, तो देखिए साइन को अच्छा मान लें और कॉस को गुंडा मान लें, ठीक है। तो देखिए साइन A+B को याद करने का तरीका, जो अच्छे होते हैं वो क्रम से चलते हैं। जैसे साइन ए तो इसने पहले ए ले लिया, उसके बाद यहाँ पर कॉस बी होना चाहिए था, सॉरी, ठीक। तो इस एक बार साइन आया और एक बार इसके साथ कौन आ गया, ये मतलब कॉस आ गया। उसके बाद अच्छे बच्चे कभी भी चिन्ह के साथ खिलवाड़ नहीं करते। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, पहले यहाँ पर साइन आया था ए के साथ और कास आया था बी के साथ, अब साइन मौका दे रहा, कास ए के साथ आ जाएगा, साइन बी के साथ, ठीक वही सिचुएशन यहाँ पर, बस यहाँ चिन्ह बदल जाएगा माइनस का। कॉस ए प्लस बी की अगर बात करूँ तो देखो ये नालायक है, ये इसके साथ और इसके साथ पहले आ जाएगा फिर साइन को आने देगा, तो कॉस ए कॉस बी, और ये चूंकि नालायक है ये गुंडा है इसलिए इस चिन्ह को बदल देगा माइनस में, और फिर साइन है साइन भी। इसी तरह से ये भी है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये चार सूत्र इस तरह से आप याद कर लीजिए बच्चों। फिर 10A+B, तो 10A+B का कोई ट्रिक्स नहीं है, बस बोलने से याद होता, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 - 10A × 10B, 10A + 10B / 1 - 10A × 10B, और 10A - B में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बाकी वैसे ही है। फिर कॉट ए प्लस बी का भी कुछ वही हाल है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटा कॉट ए प्लस बी। फिर उसके बाद कॉट ए कॉट बी प्लस वन बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। इस तरह से इन दोनों का याद कर लीजिए। इतना याद करने के बाद अगला जो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा। फिर नौवां के बाद हम दसवां देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, दसवां में है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर 10A+B+C का ये वैसे बहुत कम पूछा जाएगा, फिर भी इसको याद रखिए, इसके एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र तो बच्चों ये है, कोण के दुगुने से संबंधित सूत्र, ठीक है। तो देखिए साइन 2θ बराबर 2sin θ × cos θ = 2tan θ / 1 + tan²θ, मतलब इसके दो सूत्र हैं, दोनों को याद रखिए। cos2θ के 1, 2, 3, 4 सूत्र, मतलब cos²θ - sin²θ, 1 - 2sin²θ, 2cos²θ - 1, 1 - tan²θ / 1 + tan²θ। फिर tan2θ के फार्मूला 2tan θ / 1 - tan²θ, cot2θ का cot²θ - 1 / 2cot θ। उसके बाद कोण के तीन गुने से संबंधित सूत्र भी हमारे पास यहाँ पर हैं, sin³θ = 3sin θ - 4sin³θ, cos³θ = 4cos³θ - 3cos θ, tan³θ = 3tan θ - 10³θ / 1 - tan²θ। फिर cot³θ का ये है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।